हे यू ऑल माई गॉर्जस वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे से और खूब मज़े से हो सो so गाइज आज का जो हॉल वीडियो है वो मोस्ट 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 यूजफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए क्योंकि आज मैं टॉप ट्वेंटी कुर्तीज़ शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम मीशो अंडर थ्री फिफ्टी जी हाँ अंडर थ्री फिफ्टी की आपको ये बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट वरायटी में जो है ट्वेंटी कुर्तीज़ मिल जाएंगी जिसमें आपको हैवी सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा एम्ब्रॉयडरी वर्क है जरी वर्क है इसमें आपको यू नो बोहो प्रिंट्स में भी मिल जाएंगी कुर्तीज़ बहुत ही कमाल का कलेक्शन होने वाला है आज का एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल है फेस्टिव सीजन हो वेडिंग सीजन हो या फिर आपको इनको ऑफिस में डेली वेयर में कॉलेज में वेयर करना हो एकदम परफेक्ट रहेंगी सारी की सारी कुर्ती काफी अच्छा फैब्रिक का जो है रिसीव हुआ है सभी आपको कॉटन लीवा एंड यू नो रियॉन फैब्रिक में मिल जाएंगी जो कि स्किन फ्रेंडली है सबके डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे तो उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत बोलना क्योंकि इतना ज्यादा अफोर्डेबल कलेक्शन बहुत सारे लोगों के लिए काम आने वाला है तो शेयर कीजिएगा लाइक और कमेंट भी कर सकते हो आप अपनी यू you नो know, और फर्दर कोई रिक्वेस्ट हो वो मुझे शेयर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड ऐसे ही अफोर्डेबल फैशन हॉल वीडियो इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मैं छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा स्ट्रॉग बनाइएगा अब चलिए जल्दी से चलते हैं और ब्यूटीफुल सा हॉल पिटारा चेक करते हैं सो so गाइस मुझे तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करें क्योंकि सारी कुर्तीज एक से बढ़कर एक होने वाली है बट शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे कुछ इस तरीके से पिंक कलर के कुर्ते के साथ जो कि आप किसी भी फेस्टिवल में इजीली वेयर कर सकते हो आपको कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगा सिंगल में अवेलेबल है एंड यू कैन सी कि कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है कुछ ऐसा आपको इसमें राउंड नेक मिलेगा यहाँ पे आपको पूरा जरी और सीक्वेंस का वर्क मिलता है इधर आपको ये बटन डिटेलिंग मिल जाएगी लूप के साथ जो कि फंक्शनल है इसको आप ऑपरेट कर सकते हो इधर आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे योग पार्ट पर आपको ये वाला पूरा ज़री का और सीक्वेंस का काम मिल जाएगा काइंड kind ऑफ of अंगरखा पैटर्न में इसमें आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी का और जरी का वर्क मिलेगा ये स्टिचिंग नहीं है ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है बट इसको अंगरखा पैटर्न दे रहा है ये लुक में कुछ ऐसा इसका कंप्लीट लुक आ जाएगा योग पार्ट का सच अ स्टनिंग पीस यार मतलब फेस्टिवल्स में वेयर करोगे ना आउट लगने वाले हो बाकी ये वाला आपको इसमें पूरा बांधनी प्रिंट दिखने को मिल जाएगा इंटायरली पूरे कुर्ते पर स्लीव की बात करें तो थ्री फोर स्लीव रहेंगी इसमें भी आपको ये गोटापट्टी की डिटेलिंग दे रखी है स्ट्रेट ट का कुर्ता है इसमें आपको आई थिंक एट एक्सएल तक साइजेस uh, जो है वो अवेलेबल हैं तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो इनफैक्ट आज की कुर्ती में मोस्टली आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर के एट एक्सएल तक काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे नीचे आप देख सकते हो ये पूरा स्ट्रेट फिट में रहेगा फाइव एट तक की हाइट वालों को एकदम परफेक्ट आने वाला है एंड गाइज इसके साइड स्लिट में भी आपको ये वाला गोटा पट्टी का हैवी लेस डिटेलिंग मिल जाता है जो कि इधर आपको नीचे भी मिल जाएगा वट एल्स यू नीड अंडर थ्री एकदम धमाल कुर्ती है यार बैक साइड पर भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगी गोल्डन बेज व्हाइट और वाइट कलर के बॉटम वेयर के साथ परफेक्ट जाएगी हाईली हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड कुर्ता भी जो है एकदम मस्त होने वाला है और अगर मैं बोलू की ये आपको मिल जाता है लिबास का ट्यूब तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दिस इज सच अ ब्यूटिफुल मरून शेड कौन बोलेगा कि यह अंडर 350 का है बहुत ही प्यारे से चिनौन सिल्क फैब्रिक में आपको मिल जाएगा न्यूट्रल शेड है हर इंडियन स्किन टोन के ऊपर जाएगा कुछ ऐसा राउंड नेक है इधर और आपको पैच में इन्होंने पूरा ये वाला जरी और सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क है और क्योंकि ये पैच है आपको एक तो ये अंडर नींद चुभेगा भी नहीं एंड एनी इसके अंदर कंप्लीट आपको जो है लाइनिंग मिल रही है कुर्ते पे तो ये फ्रंट का वर्क भी आपको नहीं चुभेगा तो इसका जो फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसे हो जाता है बाकी ये जो छोटा छोटा आप सीक्वेंस और जरी का वर्क देख रहे हो ना ये पूरे कुर्ते के फ्रंट में रहेगा तो इसका फ्रंट लुक जो है वो कुछ ऐसा है नीचे तक आप देख लो पूरा स्ट्रेट फिट में है एंड ये वाला जरी का काम आपको पूरे कुर्ते पे फ्रंट में मिलने वाला है कुछ ऐसे गोल्डन बेच कलर का आउटफिट आई I मीन mean, बॉटम वेयर इसके साथ पहनोगे तो अच्छा लगेगा इसमें आपको जो स्लीव दी हुई है इन्होंने ये थ्री फोर्थ है कुछ ऐसी एंड स्लीव के एंड पे आपको ये वाला गोटा पट्टी का डिटेलिंग दिया हुआ है चिना सिल्क फेब्रिक है इसका तो इसमें आपको एक हल्की सी प्यारी शाइन दिखने को मिलेगी बैक साइड पर आपको ये पूरा सॉलिड मरून शेड का मिल जाएगा कुछ ऐसे Underneath में आपको दिखा देती हूँ इसमें फुल लाइनिंग जो है अटैच्ड है सो सी सीथ्रू भी नहीं है चुभेगा भी नहीं एंड इसका वर्क भी इंटैक्ट रहने वाला है अंडर थ्री रुपीज दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल वर्क हाईली हाईली रिकमेंडेड इससे पहले कि यार आज की कुर्तीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाना जल्दी जल्दी जाना और नीचे से लिंक चेक करके फटाफट से परचेज रही आती है नेक्स्ट कुर्ता की जो कि काफ़ी प्यारा और डिसेंट है ये हर एज की लेडी के ऊपर अच्छा लगने वाला है चाहे आप एटीन के हो अंडर एटीन हो अब एटीन हो बहुत ही प्यारा लगेगा काफ़ी प्यारे सॉफ्ट फैब्रिक में आपको मिल जाएगा काइंड ऑफ कॉटन लेन फैब्रिक है इसका जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है किसी भी मौसम में आपसे कंफर्टेबली कर सकते हो एंड आई थिंक इसमें इसके अलावा तीन कलर्स और हैं वो भी आपको लाइट कलर में ही मिलेंगे तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो मैंने इसमें ले लिया है ये ब्यूटीफुल सा पिंक कलर जो कि हम सबको पसंद आता है राउंड नेक के साथ फ्रंट में आपको ये जो है पूरा नेट का मैश का जो है एक्चुअली में पूरा पैचवर्क मिलेगा जिसमें आपको मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस एंड व्हाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी भी मिल जाएगा बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क है एंड ये काफी प्यारा लग रहा है और क्योंकि इसमें मल्टी कलर का एंब्रॉयड्री वर्क है तो आप इसके साथ वैसे तो किसी भी कलर का बॉटम वेयर लोगे बट आई विल सजेस्ट कि इसमें आप वाइट कलर का बॉटम वेयर लोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें प्रिंट आपको व्हाइट एंड पिंक का दिया हुआ है तो ये इसका योग पार्ट हो जाता है बाकी आप आप देख देख सकते हो हो ये छोटा छोटा जो सीक्वेंस का वर्क रहे हो ना पहली बात ये जो आप व्हाइट वर्क है इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं है तो ये वाइट वीविंग का जो वर्क है इसी के साथ ये गोल्डन सीक्वेंस जो है स्टिचिंग में जा रहे हैं कंप्लीटली स्टिचिंग में है ये वर्क और ये सीक्वेंस का जो आप लोग देख रहे हो बहुत ही लाइट से गोल्डन कलर का है जो कि कुर्ते के पूरे फैब्रिक में

सीक्वेंस का और ये जरी वीविंग वर्क मिल रहा है आई मीन थ्रेड वीविंग वर्क मिलेगा एंड फ्रंट के नीचे वाले पार्ट में आपको पूरा पैच मिल जाता है जिसमें सीक्वेंस जरी का काम हो रखा है तो इसकी ओवरऑल लुक जो है वो कुछ ऐसी है, बैक साइड पर आपको ये सीक्वेंस एंड वीविंग वर्क में मिल जाएगा बहुत ही प्यारा कुर्ता है यार दिस इज़ टनिंग पीस अंडर थ्री फिफ्टी रुपीज़ मैं तो बोलूँगी इसको ले ही डालना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो इसका नेक का वर्क था पीछे से ये देखो ये पूरा पैच है तो ये भी आपको नहीं चुभेगा हाईली रिकमेंडेड अगेन गाइज आपको सबसे बार ना मैं एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस वर्क के साथ साथ आप लोगों के लिए जो प्रिंट वर्क में कुर्तियाँ लेकर के आई हूँ ना वो बहुत डिफरेंट है तो सबसे पहले जो एक मेरे हाथ में अभी आ गया है करंटली प्रिंट में कुर्ता जस्ट लुक एट दिस की कितना प्यारा है और इसी से सिमिलर मैंने फैशर में एक कुर्ता देखा था फैशन और लिबास में आपको सिमिलर प्रिंट्स में कुर्ता मिल जाएगा उसके मुकाबले तो यार ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है इसका फैब्रिक भी जो है वो हंड्रेड परसेंट कॉटन है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पे आपको ये मंडेदियन कॉलर मिल रहा है और आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटिफुल प्रिंट इसमें दिया हुआ है ये पूरा डिजिटल प्रिंट आपको इसमें मिल जाएगा यू नो जो कि फैब्रिक प्रिंट है तो आप इसको मशीन वॉश भी कर सकते हो ऐसा कुछ भी भारी भरकम काम इस कुर्ते नहीं है बट क्योंकि इसका प्रिंट ही इतना ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल है मतलब आप इसको कहीं पे भी पहन के जाओगे बहुत अच्छा लगेगा इसका जो बेस शेड है ना वो बहुत ही लाइट एक्सट्रीम लाइट ग्रे शेड होता है ना पास से देख लो कुछ ऐसा है जिसके ऊपर ये पूरा मल्टी प्रिंट का मल्टी कलर का जो है वर्क हो रखा है तो इसकी लुक कुछ ऐसी है यहाँ पर आपको शॉर्ट स्लीव मिल जाएंगी एंड एल्बो स्लीव है काइंड kind ऑफ of, और इधर आपको ये वाला जो है स्ट्राइप और बटन का डिटेलिंग मिल जाएगा कुछ ऐसे बाकी ये जो है ये स्ट्रेट फिट का कुर्ता है बीच में आप देख सकते हो पूरा इन्होंने ना यहाँ पे स्टिचिंग पे दिया हुआ है आपको ये पैटर्न इसमें आपको ये वुडन बटन की डिटेलिंग मिल रहेगी एंड सबसे नीचे इसके लास्ट में ना आपको बहुत ही हल्का सा यू नो ए लाइन वाला लुक आ जाएगा बट एग्जैक्टली ए लाइन भी नहीं है ये स्ट्रेट फिट में ही दिखता है आप ट्राई को देखना आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे हल्का सा आपको स्लिट दिया हुआ है सो ओवरऑल अगर मैं इसकी लुक दिखाऊँ ना फ्रंट की तो वो कुछ ऐसी है किसी भी कलर का आप इसमें बॉटम वेयर पेयर कर सकते हो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है और एक चीज और इसका बेस जो है वो लाइट ज़रूर है बट ये बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है आप इसको विदाउट एनी स्लिप ऐसे ही वेयर कर सकते हो जस्ट लुक एट द प्रिंटिंग यार अमेजिंग हाईली हाईली रिकमेंडेड है पसंद आता है तो इससे पहले कि ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फेस्टिविटीज़ आर ऑन और ऐसे में अगर हमारे पास येलो शेड ना हो तो भाई बात क्या होती है येलो शेड तो होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि घर में चाहे आपका कोई पूजा वगैरह का ओकेजन हो हल्दी वगैरह हो उसमें ज़रूर ही चाहिए होता है तो इसमें मैं आपके साथ कुछ इस तरीके का कुर्ता शेयर कर रही हूँ इसमें आपको फोर टू फाइव कलर ऑप्शन अवेलेबल है बट क्योंकि इसमें, इसमें इसका बेस येलो वैसे तो ये मल्टी कलर है बट एक्चुअल में जो इसका यू नो मेन बेस कलर होता है वो येलो है तो आप पूजा के ओकेजन में इसको वेयर कर सकते हैं इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन रहेगा कुछ ऐसा राउंड नेक में मिल रहा है फ्रंट में आपको ये पैचवर्क मिलेगा जिसमें आपको हेवी सीक्वेंस जरी और एम्ब्रॉयडरी का वर्क है साथ में आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग दे रखी है काफ़ी नीट एंड क्लीन काम है इसमें ये पूरा का पूरा और बैक साइड पर आप देख सकते हो पूरा क्लॉथ अटैच्ड है सो तो ये भी आपको चुभेगा नहीं आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो तो इसकी लुक कुछ ऐसे है स्लीव इसमें आपको थ्री फोर्थ मिल जाएंगी स्लीव एंड पे आपको ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग दे रखी है और आप देख सकते हो मल्टी कलर का बेस है साथ में आपको लहरिया पैटर्न दिया हुआ है तो इसकी लुक जो है कुर्ते की वो कुछ ऐसी है वेस्ट तक ये आपको एकदम परफेक्ट फिट रहेगा और ये नायरस स्टाइल में कुर्ता है इसकी ना साइड पे आपको ये दे रखी है डोरी साथ में आपको ये टैसल वर्क मिल जाएगा इसको टाइप करके आप एक परफेक्ट लुक दे सकते हो यहाँ पे फ्रंट पे आपको ये हल्का सा गैदर्स दिए हुए हैं इसमें और साइड में पूरी ही स्लेट में आपको ये वाला पैच वर्क मिल जाएगा जिसमें पूरा सीक्वेंस का और जरी का वर्क हो रखा है ये देखिए कुछ ऐसे बाकी इसका फ्लेयर जो है वो अच्छा खासा है मतलब डिसेंट है ये देखिये कुछ ऐसे और यहाँ नीचे आपको ये गोटापट्टी का डिटेलिंग मिल जाएगा काइंड ऑफ ए लाइन कुर्ते का लुक देता है बट ये बहुत अच्छी फिट में आएगा इसका लुक जो है फ्रंट में वो ऐसे हो जाता है मल्टी कलर का प्रिंट है तो आप इसके साथ किसी भी कलर का बॉटम वेयर पैरअप कर लो बैक साइड पर भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिल जाएगा क्वालिटी इज रियली कमेंडेबल प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये काफी अफोर्डेबल है फेस्टिवल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ओकेजन में वेयर में ओकेजन uh, में जो है वेयर करने के लिए ये आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगा तो आप इसको भी ट्राई करके नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी ये सा कुर्ता जो कि आपको रेन फैब्रिक में मिलता है इसका फैब्रिक काफी अच्छा है एंड आई थिंक इसमें आपको टू टू थ्री कलर ऑप्शन मिल जाएंगे आलिया पैटर्न में ये कुर्ता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल है यहाँ पे आपको ये वी नेक दिया हुआ है जिसमें आपको पैच में ये सीक्वेंस एंड जरी का डिटेलिंग मिल जाएगा पूरा आलिया पैटर्न है तो यही पैच वर्क आपको मिल जाता है अंडरनी नहीं छुपेगा मैं आपको बैक साइड से भी दिखा दूंगी रेस्ट ये जो आप प्रिंट देख रहे हो ये पूरा फैब्रिक प्रिंट है लीफ पैटर्न बनाया हुआ है पूरा इसमें तो so, इसका लुक कुछ ऐसे है बहुत ही प्यारा यू नो रेडिश चेरी कलर बोल सकते हो आप इसको जो कि न्यूट्रल शेड है हर किसी के ऊपर एंड हर ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट यहाँ पे आपको स्लीवस थ्री फोर्थ मिल रही हैं सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर और यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट तक ये आपको एकदम परफेक्ट फिट है बाकी यहाँ पे आपको गैदरिंग दे रखी हैं जैसे कि ज़्यादातर हमको आलिया कुर्ता में दिखने को मिलती हैं और नीचे इसका फ्लेयर भी अच्छा खासा है यही सेम प्रिंटिंग पैटर्न आपको नीचे तक मिल जाएगा हाइट इसकी इतनी है कि आपकी हाइट फाइव एट तक है तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो बेज गोल्डन कलर का ऑफ वाइट कलर का बॉटम वेयर इसके साथ काफ़ी अच्छे से जाएगा तो ये इसका फ्रंट लुक है ये इसका बैकलुक जिसमें आपको सेम यही प्रिंटिंग पैटर्न मिल रहा है बहुत ही प्यारा फैब्रिक है पसंद आता है तो आप कुछ इस तरीके का कुर्ता भी अपने लिए इस फेस्टिवल्स में ले सकते नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी ये वाला कुर्ता जो कि आपको रियॉन फैब्रिक में मिलेगा और इसका जो फैब्रिक है ना एकदम मक्खन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है आप देख सकते हो सिंगल कलर में आपको ये मिल जाएगा कुछ इस तरीके से है ये भी आलिया कुर्ती है और आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा है कुछ ऐसा इसमें आपको फ्रंट में वी नेक मिल रहा है पैच में आपको फ्रंट में कुछ ये वाला सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा फॉल्स की डिटेलिंग है और इसमें आपको कुछ इस तरीके का लुक मिल जाएगा फ्रंट में बाकी ये पूरा फ्लोरल प्रिंट आपको देखने को मिलेगा पूरे ही कुर्ते पर एंड ये फैब्रिक प्रिंट है आप इसको मशीन वॉश भी कर सकते हो क्योंकि फ्रंट का वर्क इतना भी ज़्यादा भरा हुआ नहीं है कि यह मशीन में खराब हो तो इसकी लुक जो है कुछ ऐसी हो जाएगी स्लीव इसमें आपको थ्री फोर दे रखी है एंड स्लीवस के एंड पे आपको ये पैच वर्क मिल जाता है जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी एंड फॉल्समर का डिटेलिंग है आलिया कुर्ता है तो ये आपको यहाँ तक जो है आपकी वेस्ट लाइन तक परफेक्ट रहेगा बाकी उसके बाद आपको इसमें मिल जाती है गैदरिंग और नीचे आप देख सकते हो इसका फ्लेयर भी अच्छा है एंड जस्ट लुक एट द प्रिंटिंग और पैटर्न एंड कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है इतना इसका फ्लेयर चला जाएगा और ये गायजली really बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसे हो जाता है इसको आप वाइट ब्लू लाइट ब्लू कलर के बॉटम वेयर के साथ पेयरअप कर सकते हो बैक साइड इसका कुछ ऐसे है जस्ट लुक एट द कलर मतलब इंडिगो कलर प्लस यू नो ये ये ना वाइट नहीं है ये टैल्क ब्लू कलर है कहीं कहीं पर आपको वाइट मिलेगा कहीं पर टैल्स ब्लू मिलेगा बहुत ही प्यारा शेड है न्यूट्रल फॉर एवरी स्किन टोन परफेक्ट है काफ़ी अच्छा है तो आप इसको भी ट्राई करके सो so, गाइस जो नेक्स्ट होती मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कुछ इस तरीके से है जो कि आपको रेयन फैब्रिक में मिलेगी टोटल फोर कलर्स में अवेलेबल है ये है इसका ब्यूटीफुल सा पर्पल शेड एनीवेज पहले मैंने इसमें येलो ऑर्डर किया उसको कैंसिल करके फिर मैंने पिंक ऑर्डर किया फिर उसको भी कैंसिल कर दिया मैंने बोला है बहुत सारे पिंक और येलो हो जाएंगे सो आई एंडेड अप बाइंग दिस पर्पल शेड जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसमें आपको राउंड नेक मिलेगा फ्रंट में आपको ये पैच में पूरा जरी का सीक्वेंस का और फॉर्समर का वर्क मिल जाता है जो कि एकदम नीट एंड क्लीन है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लग रहा है क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है तो ये हो जाता है इसका फ्रंट लुक यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे आपको पूरा क्लॉथ अटैच्ड है सो तो ये भी आपको वर्क नहीं चुभेगा एंड काम भी इंटैक्ट रहेगा तो इसका लुक कुछ ऐसे है पूरा लहरिया पैटर्न पर आपको एक कुर्ता मिलता है लहरिया पैटर्न जो है वो फैब्रिक प्रिंट में आपको मिला है स्लीव इसमें थ्री फोर्थ है एंड स्लीव के एंड पे आपको ये मिल जाएगी गोटा पट्टी की डिटेलिंग आगे और पीछे दोनों तरफ स्ट्रेट फिट का कुर्ता है प्यारी इसकी फिट आई है ये देखो कुछ ऐसे जो है इसका पूरा लुक आ जाता है फ्रंट का और फ्रंट पोर्शन पे नीचे से आपको ये गोटा पट्टी का डिटेलिंग मिल जाएगा बाकी बैक साइड पर जो है ये आपको सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल रहा है ये देखिए वाइट कलर के सिल्वर कलर का बॉटम वेयर इसके साथ अच्छा सा जाएगा वाइट तो यार बड़ा ही कॉमन होता है सबके पास होता है तो वो आप इसके साथ पेयरअप कर सकते हो अमेजिंग कुर्ता अमेजिंग वर्क एंड अमेजिंग फैब्रिक आपको पसंद आता है तो इसके तीन कलर्स और हैं येलो है ग्रीन है एंड फूश पिंक है जो भी पसंद आता है आप पिक कर सकते। भाई जब से मैंने ये मैक्सी ड्रेस देखी है ना मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको और ले करके कि ये कैसे लग रही है एनी आप इसको एज अ मैक्सी ड्रेस भी वेयर कर सकते हो एज अ कुर्ता भी वेयर कर सकते हो ये इतना ज्यादा प्रिटी है सबसे पहली बात इसका जो फैब्रिक है वो हंड्रेड कॉटन है एंड जस्ट लुक एट दिस के कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहां पर आपको ना ये वाला नेक मिल जाता है काइंड kind ऑफ of, मतलब जैसे वो होता है ना स्क्वेयर नेक बोलते हो आप उसको कुछ वैसा है और इसका प्रिंट देखो कितना ज़्यादा क्यूट है इसमें आपको बहुत सारे एलिफेंट्स मिल जाएंगे प्रिंट में मल्टी कलर में ग्रीन पिंक एंड वाइट कलर के ग्रे कलर के काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं एंड फ्रंट में इधर आपको ये वाला जो है बटन की इन्होंने डिटेलिंग दे रखी है ये बटन डिटेलिंग जो है ये पूरी यू you नो know, शो के लिए है फंक्शनल नहीं है ये तो इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी स्लीव इसमें आपको शॉर्ट स्लीव मिल जाएगी एल्बो स्लीव है काइंड ऑफ कुछ इतनी रहेंगी एंड ये जो है ना बिल्कुल भी ट्रांसी नहीं है आप इसको जस्ट ऐसे ही व्ययर कर सकते जैसे मैंने बोला कि एज अ कुर्ता भी, भी वेयर कर सकते हो वेस्ट तक ये आपको एकदम परफेक्ट फिट रहेगा उसके बाद आपको इसमें मिल जाएंगे गैदर्ड और आप देख सकते हो कि इसका फ्लेयर कितना अच्छा है नीचे भी आपको ये एक्स्ट्रा गैदरिंग दे रखी है जो कि इसके फ्लेयर को और भी बड़ा बना देती है ये जो है मुझे काफ लेंथ आया है बाकी मेरी हाइट हाँ फाइव फोर है ट्रायल के अकॉर्डिंगली आप आइडिया लगा सकते हो कि आप लोगों को कितना आने वाला है तो उसके अकॉर्डिंगली आप बाय कर सकते हो बाकी बैक साइड पर भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा सच अ ब्यूटिफुल यू नो प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है पास से देख सकते हो इसके साथ अगर आप चाहो यू नो बॉटम वेयर पेयर करना कि अगर आप इसको एज अ कुर्ता वेयर करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि इसके साथ अगर बाई चांस आपके पास ये ग्रीन कलर का है तो एक यू नो पॉपिंग शेड हो जाएगा वो इस कुर्ता के साथ अच्छा लगेगा

के साथ भी पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा तो इसका लुक कुछ ऐसे है यहाँ पे फ्रंट में आपको ये बटन डिटेलिंग दे रखी है इन्होंने कुछ इस तरीके की ये जो शो के लिए है ये फंक्शनल नहीं है और प्रिंट आप देख सकते हो इसके कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं स्लीव की बात करें तो इसमें आपको थ्री फोर स्लीव मिल रही हैं कुछ ऐसे एंड ये स्ट्रेट फिट का कुर्ता है इसकी फिट बहुत अच्छी आई है ये देखिए पूरा आपको ये इस प्रिंट में मिल जाएगा एंड बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा है ये इसके साथ आप ब्लू जीन्स वेयर कर लो या फिर ब्लैक डेनिम पहन लो साथ में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लगोगे पहनोगे तो बहुत अच्छी लगेगी बाकी बैक साइड पर भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिलता है काफ़ी यूनिक प्रिंट है इसका एंड यू नो डिफ़रेंट लगता है वेयर करने के बाद तो कुछ इस तरीके का स्पेशली जिन लोगों को यू नो बोहो लुक पसंद है ना उनके लिए तो ये आई थिंक मस्ट हैव कुर्ता है इन बजट है आप इसको भी ट्राई करके हैं साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सी कुर्ती जो कि

ये वर्क आपको एम्ब्रॉयड्री का नहीं चुभेगा, सो so, इसका ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसे हो जाता है प्लीज़ इसमें आपको थ्री फोर्थ मिल रही है साथ में पट्टी की डिटेलिंग मिल जाएगी और ये वाला जो आप प्रिंट देख रहे हो फ्लोरल प्रिंट ये पूरा फैब्रिक प्रिंट है तो आप इसको घर पे हैंड वॉश कर सकते हो तो इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाती है फ्रंट पे स्ट्रेट फिट का कुर्ता है अच्छी इसकी फिट आई है आई मीन परफेक्ट फिट है इसकी और बीच में आप देख सकते हो पूरा यही प्रिंटिंग पैटर्न है फ्रंट में आपको ये वाला गोटा पट्टी का डिटेलिंग मिल जाएगा नीचे के साइड पर एंड बैक साइड पर आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिलेगा दिन के ओकेजन में स्पेशली कोई लाइट ओकेजन आपको अटेंड करना है उसके लिए

ही मिलेगा तो आप इसको मशीन वॉश भी कर सकते हो तो इसकी लुक कुछ ऐसे है बीच में आपको ये पूरा मल्टी कलर का जो है प्रिंटिंग वर्क दिया हुआ है और ये काफी ज्यादा स्टनिंग लग रहा है वेयर करने के बाद स्लीव इसमें आपको थ्री फोर्थ मिल रही है एंड स्लीव के एंड पे भी आपको यही पैच वर्क मिल रहा है कुछ इस तरीके के प्रिंटिंग पैटर्न पर स्ट्रेट फिट का कुर्ता है बहुत अच्छी इसकी फिटाई है इसको आप किसी भी कलर के बॉटम वेयर के साथ पेयरअप कर सकते हो अगर आपके पास यू नो डार्क ब्लू कलर का बॉटम वेयर है वो तो इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा कॉन्ट्रास्ट में अदरवाइज वाइट बेज ऑफ वाइट कलर भी काफी अच्छा लगने वाला है

एकदम यू नो इंटैक्ट रहने वाला है मेरी तरफ से ये भी हाई so, आजकल ना ये वाला प्रिंट बहुत ज़्यादा इन है स्पेशली मैं एग्जैक्टली exactly इसी प्रिंट की बात कर रही हूँ मैंने मिंत्रा से एक मैक्सी ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करी थी जो कि आप लोगों ने बहुत परचेज करी थी दैट वॉज फॉर समवेयर अराउंड एट और एट फिफ्टी कुछ का बट ये वाला सेम प्रिंट एंड सेम क्लॉथ का हमको ड्रेस मिल जाता है इसको आप एज अ मैक्सी ड्रेस वेयर कर सकते हो या फिर एज अ कुर्ता भी वेयर कर सकते हो जो कि अंडर थ्री फिफ्टी रुपीज़ का है तो आप देखो इसका ना लुक कुछ ऐसे है फैब्रिक uh, इसका रेन रहेगा एंड प्रिंट आप देख सकते हो पूरा फैब्रिक प्रिंट है इसमें इसको आप मशीन वॉश कर सकते हो घर पे चाहे तो हैंड वॉश भी चलेगा कॉलर्ड नेक मिलेगा इसके फ्रंट में एंड ये जो है ना पूरा ए लाइन होता है इसके फ्रंट में ना आप ये देख रहे हो कुछ सेम प्रिंट में ही आपको ये बटन डिटेलिंग मिल जाएगी ये देखो मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ ये पूरे बटनस हैं इसमें जो कि सेम प्रिंट में ही है एनी ये बटन फंक्शनल नहीं है जो शोक ले लगाए हुए उन्होंने तो इसका जो लुक है ना कुछ ऐसे हो जाएगा ड्रेस का स्लीव इसमें आपको शॉर्ट स्लीव दे रखी है और यहाँ से ये आपको इलास्टिक है ये देखिए कुछ ऐसे तो आप देखना ट्रायल में कि ये कैसा लग रहा है इसकी फिट कैसी है बाकी ये जो है ए लाइन कुर्ता है इसको आप एज अ ड्रेस वेयर कर सकते हो मिडी ड्रेस है एक्चुअली इसको आप एज अ अडी ड्रेस वेयर कर सकते हो या फिर एज अ कुर्ता भी अच्छा लगेगा तो नीचे तक जो है आपको ये पूरा इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिल रहा है ये देखिए सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे हल्का सा स्लेक्ट मिलेगा और नीचे आप देख सकते हो कुछ इतना फ्लेयर है वेरी ब्यूटिफुल शेड काफ़ी प्यारा लगता है एंड बैक साइड पर आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिल जाएगा वेरी ब्यूटीफुल एंड ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है इसको आप जस्ट ऐसे ही वेयर कर सकते हो एंड ये यू you नो know, कहीं आसपास आने जाने के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा भी है स्किन फ्रेंडली है तो उसके अकॉर्डिंग भी ये मुझे तो ऐसी ब्यूटीफुल सी कुर्ती जो कि आपको राउंड फैब्रिक में ही मिलेगी ऑफ वाइट शेड की है कुछ इस तरीके से फ्रंट में आपको राउंड नेक मिल रहा है और पूरा ये हैवी आपको एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा इसमें कुछ ऐसे पिंक ग्रीन एंड ग्रे कलर का साथ में आपको ये फॉल्स फॉल्समेर की डिटेलिंग सॉरी बटन

बेसिकलीसेंट तो लगती हैं तो आपकी लिस्ट में अगर ये वाला था, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप इसको भी ट्राई जो कि आपको रेन फैब्रिक में ही मिलेगा काफी से, फैब्रिक, आ, मरून कलर में आपको मिल जाता है क्योंकि राउंड नेक है हल्की सी स्लेट है और फ्रंट में आपको बटन की डिटेलिंग है बाकी ये आप पूरा देख रहे हो ये प्रिंट आपको पूरे ही कुर्ते मिलने वाला है तो इसकी लुक जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगी स्लीव्स इसमें आपको थ्री फोर्थ मिलेंगी स्लीव्स के एंड पे आपको ये पैच वर्क में गोटा पट्टी का डिटेलिंग मिल जाएगा कुछ ऐसे स्ट्रेट फिट का कुर्ता है इसकी फिट भी काफ़ी अच्छी आई है शेड कुछ ऐसा है कि हर किसी के ऊपर अच्छा लगेगा तो इसका लुक जो है वो कुछ ऐसा है वाइट और वाइट कलर के बॉटम वेयर के साथ एकदम परफेक्टली जाएगा एंड बैक साइड पर भी आप देख सकते हो पूरा इसी तरीके से आपको जो है यू नो वी प्रिंट में कुछ ऐसा ये वाला फ्लोरल प्रिंट दिखने को मिल जाता है फैब्रिक इसका अच्छा है फाइव एट तक की हाइट को एकदम परफेक्ट आने वाला है इन बजट है अगर आपको कुछ इस तरीके के यू you नो know, डेली वेयर के अकॉर्डिंगली कुर्तीज़ वेयर करनी पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते नारकली कुर्ता जो कि आपको कॉटन फैब्रिक में मिलेगा और कुछ इस तरीके से जो है इसकी लुक है आप देख सकते हो सिंगल कलर में ये अवेलेबल है राउंड नेक है फ्रंट में आपको ये पैच में जो है पूरा कुछ इस तरीके का प्रिंट मिलेगा और ये जो आप गोल्डन गोल्डन देख रहे हो ये बहुत ही मिनिमल सा जो है इसमें फॉल प्रिंट का वर्क है तो इसकी लुक कुछ ऐसी है स्लीव इसमें आपको थ्री फोर्थ मिलेंगी स्लीव में ये पैच दिया हुआ है जिसमें का प्रिंट है बाकी ये छोटा वाला प्रिंट जो आप देख रहे हो फ्लोरल प्रिंट ये कुर्ते का बेस है आई I मीन mean, कुर्ते में आपको यही छोटा वाला प्रिंट देखने को मिलेगा तो इसकी लुक कुछ ऐसी है वेस्ट तक ये एकदम परफेक्ट फिट है वेस्ट में आपको इन्होंने ये डोरी दे रखी है टैसल के साथ और उसके बाद इसमें आपको मिल जाता है ये कुछ इस तरीके का घेर ये देखिए कुछ ऐसा और यहाँ पर आपको इतना फ्लेयर मिल जाएगा इसका बैक साइड पर आपको ये पूरा इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिल जाएगा बहुत ही यू you नो know, इसमें आ, प्यारे से शेड्स इन्होंने यूज़ कर रहे हैं केसरिया कलर है ग्रीन ब्राउन पिंक कलर गोल्डन कलर है क्योंकि प्रिंट भी है तो जो भी शेड का आपके पास यू you नो know, बॉटम वेयर अवेलेबल हो वो आप इसके साथ वेयरअप कर सकते हो फेस्टिवल्स के लिए एकदम परफेक्ट है तो आप इसको भी आपके साथ शेयर करूँगी ब्यूटीफुल सी कुर्ती जो कि आपको कॉटन ब्लैंड फैब्रिक में मिल रही है बट इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है आप इसको कम्फर्टेबली वेयर कर सकते हो कुछ इस तरीके से ये ब्यूटीफुल से ग्रीन शेड में है राउंड नेक है इसका फ्रंट में आपको ये पैच मिल जाएगा जिसमें कि ये इजार एम्ब्रॉयडरी का वर्क दिया हुआ है कुछ ऐसा और ये पूरा पैच है आप देख सकते हो बैक साइड में जो है पूरा क्लॉथ है तो ये आपको चुभेगा नहीं तो इसकी फ्रंट लुक जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है स्लीव इसमें आपको मिलेंगी थ्री फोर्थ एंड स्लीवस के एंड पे आपको ये गोटा पट्टी का डिटेलिंग मिल रहा है बाकी ये वाला फ्लोरल प्रिंट जो है ये कुर्ते का पूरा यही प्रिंट रहने वाला है इंटायरली तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है ये अनारखनी कुर्ता है वेस्ट पर आपको एकदम फिट आएगा वेस्ट तक और उसके बाद इसमें इन्होंने डोरी और ये टैसल वर्क दिए हुए हैं उसके बाद जो है इसमें आपको पूरा कलीदार घेर मिल जाता है कुछ इस तरीके से ये देखिए नीचे आपको एक गैदरिंग दे रखी है पूरी ये कुछ ऐसी तो ये काफ़ी अच्छा फ्लेयर आ जाता है इसका बैक साइड पर जो है आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिलेगा पीछे से जो है इसका राउंड नेक है और नेक पर इन्होंने ये डोरियाँ दी हुई हैं ये वाले टैसल वर्क के साथ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का राउंड नेक है और ये डोरी दी हुई है इन्होंने ये कुछ ऐसे इसका जो है ये मुझे काफलेंथ आया है काफलेंथ से थोड़ा सा बड़ा है बट बड़ एक्जैक्टली फ्लोर लेन भी नहीं है तो इसके साथ आप गोल्डन बेज कलर का बॉटम वेयर पेरअप करके देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन इसमें बहुत प्यारा और मैं शेयर करूँगी ये ब्यूटीफुल सा ट्यूनिंग जो कि आपने कहीं ना कहीं नीचों पर ज़रूर देखा होगा एंड प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये काफ़ी अच्छा है डेली बेसिस कॉलेज वगैरह में वेयर करने के लिए तो इसका जो फैब्रिक प्राइ है वो कॉटन रियॉन मिक्स है आप इसको कम्फर्टेबली वेयर कर सकते हो सिंगल कलर में है वी नेक है फ्रंट में आपको एक करोशे का लेस डिटेलिंग

है जिसमें कि आपको ये पॉम -पॉम की दी है। पूरे ही घेर पे कुछ ऐसे व्हाइट कलर की बैक साइड पर भी आपको ये सेम ऐसे ही मिलने वाला है पूरा प्रिंटिंग कार्टन ऐसे ही है और नीचे से आपको ये पॉम -पॉम का डिटेलिंग दिया हुआ है फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है बिल्कुल you know, भी फ्लिमजी वाला नहीं है तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ना तो इन्होंने यू you नो know, फैब्रिक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ना ही इसकी क्वालिटी में तो अगर आपको ये पसंद आता है या फिर ये आपकी विश लिस्ट में है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके सो so तो. आई रियली होप गाइस कि आज का वीडियो नो no डाउट आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ पसंद भी आया होगा जैसे कि मैंने बोला कि इसको शेयर करना मत भूलना मतलब अंडर थ्री फिफ्टी की इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कुर्तीस हैं सब लोगों के काफ़ी काम आने वाली हैं इसी तरीके की आपकी कोई और यू नो रिकमेंडेशन है जो आप चाहते हो मैं आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि फेस्टिवल्स आर और और ऐसे में आप देखना चाहते हो कुछ स्पेशल डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो और जब तक मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट हॉल वीडियो तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिए और इंजॉय करिए स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ट सिया